ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 101 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ। ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಶ್ರೇಣಿ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग पट्टी मोदल हत्तु स्थान मैसूर सह लक्ष जनसंख्य नगर विभाग सांस्कृतिक नगरी मैसूर के अंक गलक द्वितीय स्थान लभ सविद अंक पड़क छत्तीसगढ़ राज्य अंबिकापुर नगर के प्रथम स्थान वल राष्ट्र राजधानी नवदेहली नड़ीतिर्व समारंभद संवाद कार्यक्रम अरमने नगर आवरण एर्पड़ी स्वच्छ सर्वेक्षण प्रशस्ति प्रदान समारंभ संवाद कार्यक्रम केंद्र नगराभिवृद्धि सचिव हरदीप सिंग पुरी पौर कार्मिक मंजुला नंजुंडस्वामी जो मातुकते केंद्र यहा योजन लाभ पड़दीर अंत केंद्र सचिव प्रश्ने पौर कार्मिक महिले मंजुला केंद्र सरकार सामूहिक शौचालय जनधन खाते आयुष्मान नवभारत योजने लाभ पड़दे अंत संतृप्तिया उत्तर जी आप बताइए आप इस कार्य के साथ कब से जुड़ी हुई है वेरी गुड एंड हाउ हैज दिस हेल्प ट्रांसफॉर्म योर लाइफ आपकी जिंदगी में इससे क्या सुधार आया है और आप जो सेवा कर रही हैं उसके बारे कुछ बताना चाहेंगी आयुष्मान कार्ड बना के दिया है टॉयलेट भी दो टॉयलेट बना के दिया है सर हमको हमको सब आपको सर अच्छा टॉयलेट बना के दिया है हाँ सर जीरो बैलेंस भी है हमको करको दिया है सर हमारा एलआरटी सर कमिश्नर सब हमको अच्छा दिया सब सहूलत करको दिया है सर अच्छा तो बड़ी खुशी की बात है आपको आयुष्मान भारत की भी सुविधा मिल गई है आपका बैंक अकाउंट भी खुल गया है तो आप आगे आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं और कौन सी योजना का लाभ लेना चाहेंगी सर टॉयलेट के लिए सर हमको टॉयलेट बनाने लिए सर हमको सबके लिए टॉयलेट बनाने लिए सर हमको कम्युनिटी टॉयलेट हाँ सर वो भी बना के देंगे अच्छा और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने आवास के लिए अप्लाई किया है हाँ सर किया है अच्छा जी गुड बहुत खुशी हुई आपसे बात करके बहुत खुशी हुई आपसे बात करके थैंक यू गरीबी योजनेयडि प्रति पौर कार्मिकरिगे 30 लक्ष रूपायि विमा सौलभ्यदिंद संतृप्तियागिद्देवे कोरोना संदर्भदल्लि नमगे केलस माडलु इन्नष्टु हुम्मस्सु बंदिदे अंत पौर कार्मिक नंजुंडस्वामि सचिवरिगे मनवरिके माडिद्रु आप बताइए कोरोना महामारी की लड़ाई के खिलाफ आपको कैसा लगा आपने क्या क्या उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया सर कोरोना आने के बाद हम लोग जितना सफाई कर्मचारी लोग है वो लोग को पूरा डरता पहला स्टार्टिंग टाइम पे पूरा डर के हम लोग काम करता था उसके बाद हम लोग के पूरा हमारा इलाका कॉर्पोरेशन का साइड से रोज ग्लव्स और मास्क सैनिटाइजर हैंड वॉश और गम बूट वो सभी ने दे के हम लोग को हमारा आरोग्य सुरक्षा के लिए सभी ने दे के हम लोग को काम करवा रहे थे मैं आपको बधाई देना नंजुंडो स्वामी जी आपने और आपके साथियों ने जो कोरोना वॉरियर्स के नाते जो काम किया पूरा देश आपको धन्यवाद करता है मैं भी खुद एक कोरोना पॉजिटिव हुआ था सर मेरे को गया महीने में 12 तारीख में मेरे को भी
पॉजिटिव लग गया था, मैं हॉस्पिटल में जाके पूरा सरकार से पूरा खर्चा लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से ट्रीटमेंट भी लिया मेरे को। अभी पूरा 30 तारीख तक मेरा होम क्वारंटाइन भी खत्म करके मैं अभी 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। अभी भी हम लोग काम करने के लिए बहुत हिम्मत से काम करता हूँ सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप इस कार्य के साथ जुड़ गए हैं, और आप जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग को इसमें और भी कोरोना होने के बाद काम करने के लिए और भी बहुत खुशी लगता है, क्योंकि हमारा को प्रधानमंत्री गरीब योजना में 30 लाख के लिए हम लोगों के लिए, हमारा परिवार के लिए 30 लाखों के लिए इंश्योरेंस बन चुका है। इसमें भी हम लोग को रजिस्टर कर करा है, इसीलिए हम लोग डर से बिना डर में हिम्मत से हम लोग काम करते हैं सर, क्योंकि हमारा परिवार के लिए पूरा सिक्योरिटी है सर। बहुत 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 खुशी हुई मुझे, और मैं चाहूँगा और प्रधानमंत्री जी भी का यही, उनके साथ जितनी ज़्यादा हो आप आयुष्मान भारत और बाकी योजनाएं उन सब का लाभ आप तक पहुंचे। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वही समय पे मैं देश का सारों देशों का जितना सफाई कर्मचारी, कम से कम 1-12 लाख सफाई कर्मचारी लोग, उनका तरफ से आपको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ सर। ನಂತರ ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎ ರಾಮದಾಸ್, ಮೇಯರ್ ತಸ್ನೀಮಾ, ಉಪಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಶುಭ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.